सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस्ट का फेसलिफ्टेड वर्जन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सिट्रोइन ने इंडिया में इस गाड़ी के साथ डेब्यू किया था और लगभग 1.5 साल में इसको अपना पहला अपडेट मिल गया है। तो चलिए जानते हैं कि नई C5 की सारी चेंजेस इन जस्ट 2 मिनट्स। जहां प्री फेसलिफ्ट मॉडल 2 वेरिएंट्स में आती थी, इसका नया वर्जन आता है बस एक टॉप एंड शाइन वेरिएंट में। C5 एयरक्रॉस के साथ आपको मोनोटोन और डुअल टोन कलर्स मिलते हैं सेम प्राइस के लिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे प्री फेसलिफ्ट मॉडल के शाइन वेरिएंट से तो कीमत लगभग 3 लाख से बढ़ गई है। C5 एयरक्रॉस के मुकाबले में आपके पास है जीप कंपस और फोक्सवैगन टिगुआन, और तो और नई जनरेशन हुंडई टूसॉन भी इसके प्राइस रेंज में आ जाती है। तीनों गाड़ियों के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है और टूसॉन के साथ ADAS भी। नई सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस को बाहर से काफी नोटिसेबल चेंजेस दिए हैं। आगे आपको मिलता है एक नया ग्रिल और नए LED हेडलाइट्स। इसका फ्रंट बम्पर को भी थोड़ा सा रीडिजाइन किया है और साइड प्रोफाइल में दिखेंगे नए एलॉय व्हील्स और रियर प्रोफाइल में दिखेंगे नए LED टेल लाइट्स। आप जो है एक्लिप्स ब्लू कलर देख रहे हो, ये भी नया है। केबिन में बदलाव ज्यादा नहीं आया है पर डिफरेंस नोटिसेबल है। ये नया 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम ज्यादा बड़ा है और आता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। C5 एयरक्रॉस के सेंटर कंसोल को भी रिफ्रेश किया है और उसी के साथ सेंट्रल AC वेंट्स का डिजाइन भी अलग है। गियर लीवर और ट्रैक्शन कंट्रोल का नॉब मिलता था, वो अब स्विचेस से रिप्लेस हो चुका है। फीचर्स के मामले में यहाँ कोई बदलाव नहीं है। C5 के साथ आपको अब भी फुल LED लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, 3 एडजस्टेबल इंडिपेंडेंट रियर सीट्स, 6 एयरबैग्स, पार्किंग असिस्ट और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है। नई C5 एयरक्रॉस का पावर ट्रेन भी सेम ही है। C5 के साथ आपको मिलता है एक 2 लीटर डीजल इंजन और 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आपकी क्या राय है नई सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस पे? अगर आपको इसके चेंजेस पसंद आए या ना आए तो बताइए हमें कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।